आप इस मैटर को लेकर कोर्ट में पहुंचे और फ्रेंकली रहा है अब एन वाले खुश है कि मेरा एग्जाम हो रहा है भैया आप तो दे, रहे हो, तो दे रहे हो दे दे रहो। तो रहो ठीक है अभी तो प्री चल रहा है फिर आपका अ, अलग नेक्स्ट जो है आपका वो टियर चलेगा कब रिजल्ट आएगा वो तो पता ही नहीं ठीक है इसीलिए मेरा एक ही चीज कहना है आप जागरूक बनो अठारह तारीख वालों को मेरा यही चीज कहना है कि बेटा आप सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन पर क्वेश्चन उठाओ क्योंकि आप इस मैटर को लेकर कोर्ट में पहुंच और फ्रेंकली बताती हूं मैं मैं सिर्फ एक ही चीज जानती हूं कि अगर इस देश में यूपीएससी अगर पेपर ढंग से ले रहा है जब एनडीए के एग्जाम्स ठीक से हो रहे हैं जब एयरफोर्स का एग्जाम ठीक से हो रहा है हम एनडीए की तैयारी करा रहे हैं हम एयरफोर्स की तैयारी करा रहे हैं हम यहां पे नीट और जेई की तैयारी करा रहे हैं जो कि कोरोना काल में भी एग्जाम ठीक से हुआ है तो वाई एस एस सी एंड वाई एन टी पी सी क्यों क्योंकि ये सारे गरीब के बच्चे हैं जिनकी औकात नहीं है सरकारी नौकरी की क्योंकि आप गरीब के बच्चे हो क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली के हो आपका मतलब आपका किस्मत में ही है सड़ना गलना और बाद में ठेला लगाना जिस समय कोरोना बिल्कुल पीक पर था उस समय नीट का एग्जाम हो गया क्यों हो गया भैया ऐसा क्या ऐसा क्या हड़बड़ी थी इसका मतलब है कि आप नीट का एग्जाम जेई का एग्जाम सब अच्छे से हो रहा है हम एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे बेटा अच्छे से हो रहा है हमारे बच्चे दे रहे हैं हम एनडीए का देख रहे हैं हम यूपीएससी में आई एस uh, का एग्जाम अच्छे, अच्छे से हो रहा है तो फिर क्यों नहीं हो सकता भाई एस एस सी के द्वारा राइट right. हम लोग की तो औकात नहीं है हम लोग क्या बोलेंगे और तुम लोग की भी औकात क्या है क्योंकि तुम लोग सरकारी नौकरी बनने जा रहे हो और तुम्हारी ये औकात यार तुम लोग हो क्या मिडिल क्लास फैमिली के लोअर मिडिल क्लास फैमिली के तुम लोग की औकात नहीं है इसीलिए तुम लोग के साथ ऐसा हो रहा है गो एंड क्वेश्चन इट्स हाई टाइम और मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कमीशन एक्सेप्ट एस एस सी एंड एक्सेप्ट दिस आर आर बी जो रेलवे का एग्जाम ले रहा है ठीक है बैंक का देखो ना यार एग्जाम आद अभी क्या है अभी हमने कहा भी रिजल्ट तो निकला है नहीं मैडम इंटरव्यू का डेट आने वाला है झटपट सबको झटपट लेकिन बैंक का तो बेसिकली यू विल हैव टू फाइट फॉर योर सीफ और एक चीज बता दू बेटा हर टीचर आपके साथ है अगर आप सोचते हो ना नहीं मैडम उन्होंने नहीं बोला नहीं मैडम इन्होंने नहीं, नहीं बोला ठीक है ना सबकी अपनी अपनी मजबूरिया है कुछ तो मजबूरिया रही होगी उनकी यूं कोई बेवफा नहीं होता याद रखो बेटा हम लोग सब आपके साथ है सब टीचर्स वफादार है सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है क्योंकि सबको अलग अलग तरीके से समस्याएं झेलनी पड़ रही है आपको क्या एक चीज आपको आपको और बता दें कुछ लोग कह रहे हैं है, मैम सुसाइड कर ले मैंने एक बात एक ही क्वेश्चन पूछती हूं आपसे सुसाइड करके भी आत्मा को शांति नहीं मिली तो क्या कर लोगे यार मरना है ना सबको मरना है लड़के मरो ना यार जी के मरो इसीलिए प्लीज ये सुसाइड करने की बात जहर खाने की बात बिल्कुल मत करना ठीक है जिंदगी है जीने के लिए ये चीजें मत करिए मत सोचो ये सबके बारे में अब